गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट टीवीएस का हम पढ़ रहे थे 80 टेल्स ऑफ फार्मर स्टोरी। तो लास्ट टाइम हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये कौन कौन सी क्रॉप्स होती है। ये कॉर्न थे, मस्टर्ड, वीट एंड बाजरा, है ना, ये उनकी उनकी क्रॉप्स थी। तो चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं। वन टाइम चेंज, जब टाइम चेंज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज हो गया। बहुत साल तक जो था, मतलब कि जो गांव में कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जब थोड़े सालों के बाद चेंजेस आई तो कुछ लोगों ने क्या किया, सम प्लेस कुछ जगहों पे कैनल्स यानी कि नदी नहरे नुहरे जो है लगा के मतलब कि शुरू कर दिया, और उसी के अकॉर्डिंग जो था खेतों में पानी आता था। और फिर क्या हुआ, जब खेतों में पानी आना हुआ, रिवर्स भी आ गई, रिवर्स आई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम हुई। अब क्या करते थे, स्विच ऑन करते थे, ऑफ करते थे, लाइट आती थी जाती थी, फ्रिज ऑन करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो थी क्रॉप्स लगाई, जो मेन फसल थी वो कौन कौन सी थी लगाई, लाइक वीट एंड कॉटन यानी कि गेहूं और कपास, जिससे कि उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके। अब क्या था, सून मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ऑनली दीज, कुछ लोगों ने सिर्फ यही उगाना शुरू कर दिया। हूँ और क्या हुआ, बाजरा एंड ज्वार और उसके अलावा और भी वेजिटेबल्स जो थी वो भी लगाते थे, पर इन सब चीज़ों का वो ये सब रखना भूल गए, जैसे पहले रखते थे ना स्टोर करके, मतलब कि फिर नीम की पत्तियों को रख के। अब ये सब चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी क्योंकि अब इजिली से मार्केट में अवेलेबल हो जाता था। अब गांव के जो लोग थे इकट्ठे बैठ के, अब वो कोई मतलब कि खाना नहीं खाते थे, कोऑपरेटिव नहीं थे जैसे पहले लोग हुआ करते थे। बड़े ही कम दिनों में कोई स्पेशल डे होता था तब ये लोग सभी इकट्ठे होते थे। तो सीड कहता है कि देखो सब जो है वो चेंज हो रहा है। अब दामजी भाई वैसे बने नहीं रहे, वो थोड़े ओल्ड हो गए, थोड़े से बूढ़े हो गए। अब उनका बेटा जो था हसमुख था, वो देख रेख करता था अपनी फैमिली की और फार्मिंग की। उसने क्या किया, उसने अपने मतलब कि अपने एक ब्राउट उसने खरीदी, मशीन खरीदी फार्मिंग के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी पानी के लिए, और मोटरसाइकिल खरीदी जिससे कि वो इजीली जा सके, सिटी जा सके बाहर आने के लिए और जाने के लिए, और एक ट्रैक्टर खरीदा प्लफिंग के लिए, फील्ड के लिए, प्लफिंग होता खुदाई के लिए। पहले लोग क्या करते थे, पहले बुलक से खुदाई होती थी यानी कि जो होते थे ना बैल, उनसे होती थी। लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो गया, अब ये सब चीज़ें जो है ट्रैक्टर ले गया है। अब हसमुख जो है वो उसको मतलब ये सब मतलब कि थोड़ा इजीली हो गया ये सब कुछ करना, क्योंकि वो इजीली मार्केट जाता था और मतलब कि मुनाफा उसे जो होता था वो मतलब कि लेता था। वो सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैक्टर की मदद से ये सब कुछ जो है इजीली कर रहा हूँ। अब ये सब कुछ सारा कुछ भूल गए हैं, किस तरह से वुडन बॉक्स के अंदर मुझे रखते थे, किस तरह से मतलब कि मेरे लिए मतलब कि एक बॉक्स में डालते थे और थोड़े से उसमें क्या करते थे नीम के पत्ते डालते थे ताकि मैं नेक्स्ट ईयर तक जो है थोड़ा सेफली रहूं। तो क्या ये तरक्की हो रही है कि या नहीं तरक्की हो रही है, ये बीज कह रहा है। अब मोर एंड मोर एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा खर्चे, अगले 20 सालों में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। कोई काउ डंग नहीं, कोई काउ एंड बफेलो नहीं दिखेंगे, जिनकी वजह से फील्ड में मतलब जिसे कहते थे ना जो उनकी वो होती थी खाद होती थी वो मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो क्या है बाजार से मिल रहा है, स्प्रे की हुई चीज़ें मिल रही है, और क्या है उनमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह है, जब वो स्प्रे करते हैं तो बहुत सी स्मेल वगैरह आती है और वो बहुत ही ज़्यादा महंगे भी हैं। तो क्या है, अब मतलब कि कैनाल मतलब जो कैनाल वाटर से अब पानी की कोई ज़रूरत नहीं है न्यू मतलब क्रॉप्स के लिए। अब क्या है, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, ज़मीन के अंदर हैंडपम्प लगा के तो ये सब चीज़ें जो है खेतों में पानी लगाते हैं इसी चीज़ों से। इसके लिए इन्हें भारी पैसा जो है लोन लेना पड़ता है, जिससे कि ये सारा प्रॉफिट जो है वो वहीं जा रहा है। अब कोई इतना मुनाफा भी नहीं हो रहा है। अब ज़्यादातर लोग जो है कॉटन उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, जैसे कि पहले वाले लोग मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी मतलब कि फसलें उगाते थे, लेकिन अब क्या है कॉटन कपास की जो है वो ज़्यादा खेती हो रही है। अब हसमुख भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसे बहुत सारी टेंशन है, उसे बात बात पर गुस्सा आता है। उसका बेटा जो है परेश जो है वो इंटरेस्ट नहीं है इसमें फील्ड को लेकर,
और क्या है मतलब कि वो बाहर जाने के लिए पढ़ाई करता है, वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार आता है। और जब वो आता है तो वो अपने दादाजी का जो है बॉक्स ढूंढता है जिसमें कि वो वुडन सीट रखते हैं। तो वो कहता है कि अब मैं इसमें जो उसने ट्रैक्टर लिया हुआ था उसके कुछ टूल्स वगैरह रखेंगे। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ आया कि मैंने क्यों अपनी ही कहानी सुनाई। ठीक है, मैं हम इसके आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो अगली बार मैं आपको उसके करवा दूंगी। चलिए, ओके बाय।